गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ राजसी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू रीजनिंग क्लास 5. दिस इज़ योर जुलाई कोर्स चैप्टर 2, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट वॉट इज एनालॉजी. एनालॉजी होता क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ. एनालॉजी, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर. किसी भी दो चीज़ के बीच का कंपैरिजन जिनसे उनकी सिमिलैरिटी बताई जाती हो. एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी. एनालॉजी का मतलब सिमिलैरिटी होता है. इन दिस एनालॉजी टू ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड इन सम वे, दे आर हैविंग सम पैटर्न एंड सेम पैटर्न वी अप्लाइड ऑन द अदर टर्म्स. इस एनालॉजी में दो जो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के होते हैं उनमें कुछ पैटर्न होता है और फिर वही पैटर्न हम अगले टर्म में यूज़ करते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट दैट पैटर्न इन विच दे आर रिलेटेड विथ. हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है जिससे कि फर्स्ट जो टू टर्म्स हैं वो रिलेटेड होते हैं एंड देन फिर हम वही पैटर्न नेक्स्ट टर्म में अप्लाई करते हैं और फिर जो मिसिंग टर्म हमारा होता है उसे हम ढूंढते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन, कर्ड रिलेटेड विथ मिल्क एंड शूज रिलेटेड विथ लेदर. जैसे कर्ड मिल्क से रिलेटेड होता है, शूज किससे रिलेटेड होता है? लेदर से रिलेटेड होता है. एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, सिमिलरली शूज इज मेड फ्रॉम लेदर. कर्ड जैसे मिल्क से बनता है वैसे ही शूज किससे बनता है? लेदर से बनता है. तो दैट इट्स सिमिलरिटी. ये इसका सिमिलरिटी है और यही इसका एनालॉजी है. अब सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल 2, कॉलेज रिलेटेड विथ स्टूडेंट एंड हॉस्पिटल रिलेटेड विथ पेशेंट. एक स्टूडेंट कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं, सिमिलरली पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल. तो फर्स्ट में जैसे आपको सिमिलरिटी दिया हुआ है कि कॉलेज में कौन पढ़ता है? स्टूडेंट पढ़ते हैं. हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल में किसका ट्रीटमेंट होता है? तो पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है. तो ये फर्स्ट टाइम हमने देखा कि उनके बीच की जो सिमिलरिटी है वही सिमिलरिटी फिर हम सेकेंड वाले ऑप्शन में चेक कर रहे हैं. तो बेसिकली एनालॉजी में यही होता है कि आपका जो पैटर्न होता है जो फर्स्ट टर्म में हम यूज़ करते हैं वही पैटर्न फिर सेकेंड टर्म में यूज़ किया जाता है. इन एनालॉजी समटाइम्स थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड आर क्वाइट सिमिलर बट अदर टाइम दे कुड बी वेरी डिफरेंट. कभी कभी उनका पैटर्न बहुत ही सिमिलर होता है, बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. आपके बुक में भी ये डेफिनेशन दिया हुआ है. A pair of related term figures provided and a similar relationship is to be established between two other terms or other pair of identify the missing terms. मतलब जो first term का similar relationship है, जो pattern है वो identify करके हम missing term को फिर next term के missing term को ढूंढते हैं. That is your analogy. अब कुछ questions solve करके मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एनालॉजी से रिलेटेड हैं. इसमें पहला एग्जांपल है, डॉग रिलेटेड विथ रेबीज, सिमिलरली मॉस्किटो रिलेटेड विथ मलेरिया. योर आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज द बाइट ऑफ फर्स्ट कॉजेज द सेकेंड. पहला जो डॉग दिया हुआ है उसके बाइट से हमें कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है. तो मॉस्किटो के काटने से कौन सी बीमारी होगी? मलेरिया. तो इसका बाइट एक सिमिलर पैटर्न है जो कि फर्स्ट पैटर्न में बाइट उनका देखा जा रहा है. तो सेकेंड जो हमारा टर्म दिया हुआ है उसमें भी हम उसका बाइट चेक कर रहे हैं, वो सेम पैटर्न चेक कर रहे हैं. इसमें डॉग के काटने से रेबीज होता है तो मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होगा. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है, डॉक्टर डायग्नोसिस जज. योर आंसर इज जजमेंट. डॉक्टर क्या करता है कि वो किसी बीमारी का पता करता है, उसको डायग्नोज करता है
सिमिलरली जज का काम होता है जजमेंट करना, वो सेम पैटर्न का देखा जा रहा है। डॉक्टर का काम होता है बीमारियां पता करना और जज का काम होता है जजमेंट करना। एनालॉजी में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मीन्स टू क्लासिफाई द आइटम ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे पोजेस एंड दे स्पॉट द ऑड वन आउट। रीजनिंग में क्लासिफिकेशन हम ऐसे आइटम का करते हैं, ऐसे आइटम को क्लासिफाई करते हैं जो एक ग्रुप में दिया होता है और उसे कुछ कॉमन क्वालिटी होती, मतलब एक कुछ सर्टेन क्वालिटीज उसमें होती हैं जो एक ग्रुप में बांट देते हैं, और जो ऑड वन आउट होता है हम उसे क्लासिफाई कर लेते हैं, उसे अलग कर देते हैं। दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन इज ऑड वन आउट। जो ऑड है उसे हम क्लासिफाई करते हैं, उसे हम अलग कर देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। आपके बुक में भी क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन इसी तरह का कुछ दिया हुआ। अ सेट ऑफ टर्म इज गिवन इन विच ऑल एक्सेप्ट वन फॉलो टू सिमिलर प्रॉपर्टी। ए स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी फॉलोड इन अ सेट एंड फाइंड ऑड वन आउट। कोई भी क्वेश्चन एक सेट में जो दिया रहता है वो आपके कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें सारे ऑप्शंस में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, और हमें क्या करना होता है, जो ऑड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑड ऑप्शन होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस बेसिस पे हम उन लोगों को एक ग्रुप बना रहे हैं और किस बेसिस पे हम उन लोगों को अलग कर रहे हैं। बेसिकली जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले आइटम या थिंग्स होते हैं या जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम एक ग्रुप बना लेते हैं, और जो ऑड वन होते हैं उन्हें हम अलग कर देते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। डायरेक्शन टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ थ्री आर अलाइक इन सम मैनर व्हाइल द फोर्थ वन इज डिफरेंट। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस या चार वर्ड दिए रहेंगे एंड वॉज गिवन आउट विच आर अलाइक इन सम मैनर, जो एक मैनर मतलब एक जैसे होते हैं। चार में से तीन जो होंगे वो एक जैसे होंगे, एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगी उनकी, और जो फोर्थ होंगे वो डिफरेंट होंगे। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर हैं बाकी के तीन, एंड जो रेस्ट फोर्थ है वो हमें क्लासीफाई करना होता है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एंड देन फोर्थ वन दैट इज डिफरेंट वन वी हैव टू क्लासीफाइड। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, कुछ एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ। चूज द वर्ड इन डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चिकन, फ्रॉग, स्वैन, क्रोकोडाइल, चार ऑप्शन दिए है। आपका क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट है उसे चूज करना है। योर आंसर इज चिकन, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट चिकन कैन लिव इन वाटर। बाकी के जो तीन ऑप्शन है, फ्रॉग, स्वैन एंड क्रोकोडाइल, दे कैन लिव इन वाटर, वो पानी में रह सकते हैं, बट चिकन लैंड एनिमल है, वो लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको इसमें से ऑड वन को चूज करना है। योर ऑप्शन इज एशिया, अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंड करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना क्यों सही आंसर होगा? ऑल आर कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अर्जेंटीना इज अ कंट्री। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं। अर्जेंटीना क्या है? कंट्री है, तो अर्जेंटीना ऑड ऑप्शन हो गया, तो हमें सिर्फ इसमें से ऑड ऑप्शन चुनना था। तीन सिमिलर हैं किस प्रॉपर्टी से? ऑल आर कॉन्टिनेंट। अर्जेंटीना अलग है क्योंकि वो एक कंट्री है। दैट इज योर क्लासिफिकेशन। इसी तरह के क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैं आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। दिस इज योर क्वेश्चन कि जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसमें जो डिफरेंट वर्ड है वो आपको चूज करना। फर्स्ट ऑप्शन ए, कर्ड, बटर, ऑयल, क्रीम। इन चार ऑप्शन में ऑयल इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज
ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम मिल्क. जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो सब मिल्क से मिलते हैं. एक्सेप्ट सेकेंड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन टी रबर कार्डमम, ऑप्शन डी चॉक. एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स एक्सेप्ट चॉक. जितने भी बाकी प्रोडक्ट है वो हमें क्रॉप से मिलते हैं चॉक को छोड़ के. यानी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. पियर ऑरेंज लीची एप्पल. यानी योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्यों ऑप्शन बी सही होगा? क्योंकि बाकी जितने फ्रूट्स हैं एक्सेप्ट ऑरेंज, ऑरेंज इज ओनली अ साइट्रस फ्रूट इन दिस ग्रुप. बाकी सारे फ्रूट्स को छोड़ के सिर्फ एक ऑरेंज ही है जो एक साइट्रस फ्रूट यहाँ दिया हुआ. दिस इज योर क्लासिफिकेशन. ऐसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. सो कीप प्रैक्टिसिंग. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी. थैंक यू.